दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही शानदार जीत हासिल की है और अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम के साथ होने वाला है जो कि 5 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया है और वहीं साउथ अफ्रीका को अपने अगले मैच में हराने के लिए भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव भी कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय टीम ही है जिन्होंने अपने 7 मुकाबलों में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है। और दोस्तों वहीं अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका भी वर्ल्ड कप 2023 में काफी शानदार प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने भी वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं जिनमें से उन्होंने 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। तो दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा अच्छे से जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम को हराना मुश्किल हो सकता है, इसलिए दोस्तों रोहित शर्मा ने अपने अगले मैच में साउथ अफ्रीका को हराने के लिए एक बड़ा बदलाव कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने अपने बयान में ये कहा है कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और सभी 7 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, इसी वजह से मुझे काफी बधाइयां मिल रही हैं और भारतीय टीम के फैंस इस समय काफी खुश नजर आ रहे हैं और अगर भारतीय टीम अभी कोई मैच हार जाती है तो वही फैंस मुझे काफी बुरा भला कह सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 में सारे मैचों में जीत हासिल करे। तो आइए अब जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपने अगले मैच में साउथ अफ्रीका को कुचलने के लिए अपनी टीम में कौन से खिलाड़ियों की वापसी करा दी है और कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो खबर की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपने वर्ल्ड कप 2023 में भारत बनाम श्रीलंका का मुकाबला तो देखा ही होगा जिसमें भारत ने 302 रन से शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि उस मैच में श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और वहीं भारतीय टीम की तरफ से हर बार की तरह ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा इन दिनों काफी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं और वो हर मैच में रन भी बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए थे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रिंस शुभमन गिल और भारत के किंग यानी कि किंग कोहली ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि शुभमन गिल भारतीय टीम की तरफ से पिछले कुछ मैचों में रन नहीं बना रहे थे, लेकिन वही शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ काफी शानदार वापसी की है। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ 92 बॉलों पर 92 रन की शानदार पारी खेली थी। हाँ ये सच बात है कि शुभमन गिल 8 रन से अपनी सेंचुरी बनाने से रह गए, पर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए थे। वहीं दोस्तों अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने भी श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की है। आप लोग तो जानते ही हैं कि इन दिनों विराट कोहली काफी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और वो वर्ल्ड कप 2023 के हर एक मैच में रन भी बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस मैच में विराट कोहली ने श्रीलंका के गेंदबाजों की बहुत ही जमकर पिटाई की है और वहीं विराट कोहली ने इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 94 बॉलों पर 88 रन की शानदार पारी खेली थी जिसमें शानदार 11 चौके शामिल थे और विराट कोहली भी 12 रन से अपनी सेंचुरी बनाने से चूक गए, पर विराट कोहली ने काफी ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी की है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यानी कि श्रेयस अय्यर ने भी श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की है। जैसे कि आप जानते हैं कि श्रेयस अय्यर भी पिछले कुछ मैचों से काफी खराब प्रदर्शन कर रहे थे और वो हर मैच में फ्लॉप साबित हो रहे थे, पर दोस्तों वही श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ 82 रन की शानदार पारी खेली है और वही श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। और इसके बाद दोस्तों जडेजा ने भी श्रीलंका के खिलाफ 35 रन की शानदार पारी खेली है, यानी कि दोस्तों भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर 8 विकेट गंवाकर 398 रन का शानदार टारगेट दिया था। और जब श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो हमारे भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर एक विकेट चटका दी। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी। वो जिस तरह के गेंदबाज माने जाते हैं उन्होंने उसी तरह की गेंदबाजी कर अपना अंदाज दिखाया है। आपको बता दें कि श्रीलंका के बल्लेबाज तो जसप्रीत बुमराह की गेंद को खेल ही नहीं पा रहे थे और दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अपने 8 ओवर्स में 5 रन देकर एक विकेट चटकाया है। और दोस्तों अगर हम भारत के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने इस मैच में गेंदबाजी कर सबका दिल जीत लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी को शुरुआत के वर्ल्ड कप मैचों में नहीं खिलाया गया था, लेकिन जब मोहम्मद शमी को भारतीय टीम की तरफ से मौका मिला तो उन्होंने अपने मौके का भरपूर फायदा उठाया है।
और उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम में तहलका मचा के रख दिया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे और वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट चटकाए थे। और इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी ने अपने 5 ओवर में मात्र 18 रन देकर फिर से 5 विकेट चटकाई हैं। और वहीं हम भारत के तीसरे तेज गेंदबाज की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने भी इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट चटकाई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से बेहतरीन गेंदबाज कौन सा है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, इससे हमें पता लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने काफी शानदार गेंदबाजी की है और श्रीलंका की टीम सिर्फ 55 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर इस मैच में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और वहीं दोस्तों, भारतीय टीम का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम के साथ होने वाला है, जो कि 5 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपने अगले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को कुचलने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया है और कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत अपने वर्ल्ड कप 2023 के सभी मुकाबलों में जीत हासिल कर ले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय टीम के विकेटकीपर बैट्समैन केएल राहुल काफी शानदार बल्लेबाज हैं, पर श्रीलंका के खिलाफ केएल राहुल इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और श्रीलंका के खिलाफ केएल राहुल मात्र 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या केएल राहुल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम से बाहर कर दिया जाएगा? और वहीं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान के हर तरफ रन बनाना जानते हैं और इन दिनों सूर्य कुमार यादव भी काफी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार यादव श्रीलंका के खिलाफ पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं, उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों पर 12 रन ही बनाए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और मौका देना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, एक अच्छी खबर भी आ रही है कि हार्दिक पांड्या, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे, पर खबर ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या इस समय पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम में खेलने वाले हैं, तो ऐसे में कौन से खिलाड़ी को भारतीय टीम की तरफ से बाहर कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका को हराने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन से 11 बुकेशरों को मौका दिया है। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो भारतीय टीम के ओपनर्स रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपको पहले और दूसरे नंबर पर खेलते हुए दिखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं और वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैचों में शानदार बल्लेबाजी कर हर एक मैच में रन भी बना रहे हैं। और रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर वो ग्राउंड में टिक जाएं तो वो रनों की बरसात ला देते हैं। आपने रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ देखा ही होगा, उन्होंने उस मैच में 87 रन की शानदार पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो क्या रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बना पाएंगे, ये तो हमें मैच के वक्त ही पता लगेगा। वहीं दोस्तों, अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारे प्रिंस यानी कि शुभमन गिल को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि शुभमन गिल भी इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं कि शुभमन गिल पिछले कुछ मैचों से फ्लॉप साबित हो रहे थे, जिसके कारण शुभमन गिल पे काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। पर वहीं शुभमन गिल ने अपने आप को साबित करते हुए श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही शानदार तरीके से वापसी की है और शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ 92 बॉलों पर 92 रन की शानदार पारी खेली है, जिसमें शानदार 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारी भारतीय टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाज विराट कोहली को लिया गया है। आप लोग तो जानते हैं कि विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 में हर एक मैच में शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर विरोधी टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। आप लोगों ने विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ देखा ही होगा, विराट कोहली उस मुकाबले में 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दोस्तों, वही श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने शानदार वापसी करते हुए 94 बॉलों पर 88 रन की शानदार पारी खेली है। वहीं दोस्तों, चौथे नंबर पर भारत के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर को लिया गया है। आप लोग तो जानते हैं कि श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जब भारतीय टीम की विकेट्स गिर जाती हैं तो श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में आके भारतीय टीम को संभालते हैं और भारतीय टीम के लिए एक बड़ा स्कोर भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ मैचों से फ्लॉप साबित हो रहे थे और वो अपनी शॉर्ट गेंद की कमजोरी के कारण हर मैच में आउट हो जाते थे और इसी वजह से श्रेयस अय्यर पे काफी ज्यादा सवाल भी उठ रहे थे कि श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में क्यों खिलाया जा रहा है। पर दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ही शानदार वापसी की है
और वहीं 82 रन की शानदार पारी खेली है जिसमें शानदार 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं दोस्तों अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर हमारे भारत के विकेटकीपर बैट्समैन केएल राहुल को लिया गया है। आप लोग तो जानते हैं कि केएल राहुल भी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, पर श्रीलंका के खिलाफ केएल राहुल इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो क्या केएल राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक भरी पारी खेल पाएंगे, ये तो हमें मैच के वक्त ही पता लगेगा। और वहीं दोस्तों छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर हमारे 360 यानी कि सूर्य कुमार यादव को लिया गया है। आप लोग तो जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव काफी विस्फोटक बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम के फैंस को सूर्य कुमार यादव पे काफी ज्यादा भरोसा था कि वो इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ एक भरी पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने अपने सभी फैंस का दिल तोड़ दिया और मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो क्या सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक भरी पारी खेल पाएंगे, ये तो हमें मैच के वक्त ही पता लगेगा। वहीं दोस्तों अगर हम सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पर हमारे भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लिया गया है। आप लोग तो जानते हैं कि जडेजा एक खतरनाक बल्लेबाज के साथ साथ एक खतरनाक गेंदबाज भी हैं। और वहीं दोस्तों जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 24 गेंदों पर 35 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं दोस्तों अगर हम आठवें नंबर की बात करें तो आठवें नंबर पर हमारी भारतीय टीम के खतरनाक स्पिनर यानी कि कुलदीप यादव को लिया गया है। आप लोग तो जानते हैं कि कुलदीप यादव कितने खतरनाक स्पिन बॉलर हैं, पर श्रीलंका के खिलाफ कुलदीप यादव को ज्यादा बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। यानी कि कुलदीप यादव ने श्रीलंका के खिलाफ अपने 2 ओवर में मात्र 3 रन ही दिए थे। तो क्या कुलदीप यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना जलवा दिखा पाएंगे, ये तो हमें मैच के वक्त ही पता लगेगा। वहीं दोस्तों अगर हम 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर हमारी भारतीय टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद सिराज इस समय काफी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं और मोहम्मद सिराज ओडीआई रैंकिंग नंबर 1 पे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी और श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें चटकाई थी। वहीं दोस्तों अगर हम 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पर हमारे भारत के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी भी इस समय काफी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी ने अपने 5 ओवर में मात्र 18 रन देकर 5 विकेटें चटकाई हैं। यानी कि मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के बल्लेबाजों की तो धज्जियां उड़ा के रख दी थी। श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज मोहम्मद शमी की गेंद को तो खेल ही नहीं पाया था। वहीं दोस्तों 11वें नंबर पर हमारे भारत के तीसरे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह भी इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह की स्विंग और यॉर्कर्स तो कोई भी बल्लेबाज खेल ही नहीं पाता है। और वहीं श्रीलंका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 5 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट चटकाई है। तो दोस्तों ये है हमारी भारतीय टीम के 11 भूखे शेर जो कि साउथ अफ्रीका को अपने अगले मैच में हराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में ऐसा कोई नाम है जिसको मौका मिलना चाहिए था तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का आनंद लेते रहिए।